जम्मू में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए यूटी जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा 34 घंटों का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। वहीं आज जम्मू के रघुनाथ बाजार में रोटेशन के हिसाब से दुकानें खोली गईं, परंतु रघुनाथ बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र महाजन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 50% दुकानें खोलने और बंद करने का आदेश समझ से परे है। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश सरकार को वीकेंड लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया था ताकि कोरोना की चेन भी टूटे और दुकानदारों और व्यापारियों को नुकसान ना उठाना पड़े। खरीदार अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि कौन सी दुकान कब खुलेगी। कोरोना की दूसरी लहर से बाजार में खरीदार बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। प्रशासन को इस ओर तवज्जो देनी चाहिए। मैं रघुनाथ बाजार का एक छोटा सा व्यापारी हूं, जिसकी टर्न जो एज ए गवर्नमेंट एसोसिएशन निकला हुआ है उसके मुताबिक ट्यूसडे को आती है, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि ट्यूसडे को, आज मंडे को हमारा बाज़ार 90% से ज़्यादा खुला हुआ है, जिसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट की शॉप्स और जनरल स्टोर और आज आगे वाइन शॉप, ये तीन दुकानें बंद हैं, गिन के 10 दुकानें होंगी। बाकी 330 दुकानें हमारे बाज़ार में हैं, जिसमें 300 से ज़्यादा दुकानें आज खुली हुई हैं। अब ये बताइए कि इसमें कौन सी गाइडलाइन चल रही है। अब हमारे बाज़ार से ऊपर चले जाओ, पुरानी मंडी है, लिंक रोड है, ये सारे हैं, ये बाज़ार पूरे के पूरे खुले हुए हैं, हर कोई वहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो वहाँ पे कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। कहने का ये मतलब कि ट्यूसडे को जब हम खोलेंगे तो क्या रहेगा पीछे, वो चार दुकानें और पूरा बाज़ार ऊपर से लेकर नीचे मार्केट बंद, और हम क्या करेंगे, हम कहाँ से काम करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे। हमारी डिमांड यही है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि 5 डे वर्किंग करें और सैटरडे संडे प्रॉपर लॉकडाउन करें। जैसे इन्होंने सिर्फ संडे का लॉकडाउन रखा है, ये सैटरडे भी लॉकडाउन रखें, उसके बाद ये बेशक टाइम जो इन्होंने 8 बजे किया है 7 कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम दुकानदार जो 4 दिन या 5 दिन आके काम करेगा, वो अपने घर चलाने के लिए, अपने खर्चे करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। जो ट्यूसडे को आएगा, जिनकी टर्न है, और बाज़ार सारी मार्केट, जैसे आपने आज शूज़ की शॉप्स खुलवा दी हैं, अब यानी कि कोई भी बाज़ार में किस लिए कोई कस्टमर दोबारा ट्यूसडे को घूमने आएगा, किस लिए आएगा। पहली बात तो ठीक है कम आता है कस्टमर, लेकिन जो बैठा है दुकान खोल के उसके पास कोई आएगा ही नहीं, तो किस लिए दुकान खोलेगा। वो सुबह से लेकर शाम तक फ्री बैठ के चला जाएगा, उसके पास अगर कोई सर्वेंट है उसको भी खर्चा देगा, कहाँ से देगा। सुरेंद्र महाजन, प्रेसिडेंट रघुनाथ विहार बिजनेस मैन एसोसिएशन। देखिए, जो रात को गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट की, उसमें ये लिखा कि वो 3 दिन कुछ दुकानें खुलेंगी और 3 दिन कुछ दुकानें खुलेंगी, और जिसमें ये इन्होंने 2 ग्रुप बनाए हैं, और उसमें ये देखा गया। अब हमारा रघुनाथ बाजार है, इसमें एक आज ड्राई फ्रूट की दुकानें बंद है, और एक पान वाली दुकान बंद है, और एक दो बेल्ट वाली दुकान बंद है, ये टोटल कोई 8 दुकानें नहीं है, 10, बाकी सारा बाजार खुला। इससे एक ये कोई अच्छा नहीं लगता, कल जब ये दुकानें खुलेगी ये क्या करेंगी, 10 दुकानें खोल के सारे बाजार में, यहाँ 350 दुकान है, उसमें ये 10 दुकानें क्या लगेगी। इससे ये सारी खुलती, हमने गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी बिजनेसमैन एसोसिएशन है, उन्होंने यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि आप ऐसा कीजिए, वीकेंड लॉकडाउन लगाइए, जिससे होगा एक चेन भी टूटेगी और लोग भी इससे ठीक रहेंगे और दुकानें भी पूरी खुलेगी। मगर गवर्नमेंट ने फिर इसको दोबारा वही पिछले हफ्ते वाला ही कानून बनाया, जो कल ऑर्डर निकाला, इससे थोड़ी निराशा भी है। देखिए, हम चाहते हैं कि ये महामारी है, ये किसी का कोई नहीं है, कि इसमें हर एक आदमी को इसका पालन करना, जितना हम इसका पालन करेंगे उतना इस महामारी से हम बचेंगे। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को हर वक्त यही कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हर वक्त साथ हैं, मगर जब ऐसा ये कोई ऑर्डर बनता है उस वक्त बिजनेसमैन को भी साथ में बिठाना चाहिए, और जिससे बिजनेसमैन भी कुछ अपना सुझाव दे सके और उस पर उसका भी भला हो सके। हम यही कहते हैं कि ये जो है इस पर एक हफ्ता ये भी करके देख लेते, हमने इनको कहा था है ये ट्राई, एक हफ्ता आप ऐसा कीजिए, अगर उसमें आपको नहीं ठीक लगता फिर आप ले जाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। मगर इससे जो पिछले हफ्ते वाला ये ऑर्डर दोबारा हुआ है, इससे कोई लोग निराश हैं, कोई खुश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।